नमस्कार, आप सबका स्वागत है। ये माना जाता है कि सुपरस्टार सलमान खान अपने वादे के पक्के हैं। उनकी दरिया दिली के कई किस्से बॉलीवुड में प्रचलित हैं, लेकिन उनकी जन्मभूमि इंदौर में 75 साल की उनकी दाई माँ को आज भी उनके वादे पूरे होने का इंतजार है। 4 साल पहले एक फिल्म के प्रमोशन के लिए इंदौर आए सलमान ने अपनी दाई से उनकी पोती की जिम्मेदारी उठाने की बात कही थी, लेकिन मुंबई लौटने के बाद सलमान ने अब तक इस ओर पलट कर नहीं देखा। सलमान का जन्म इंदौर के कल्याणमल नर्सिंग होम में हुआ था। उनके पिता सलीम का पैतृक घर इस अस्पताल से कुछ ही कदम की दूरी है। अब सलीम के बड़े भाई बटवा मियां के बेटे यहां रहते हैं। सलमान का पैतृक घर अब 5 मंजिला मल्टी का रूप ले चुका है। सलमान के जन्म के समय की बात को याद कर दाई माँ रुक्मणि भाटी बताती हैं कि जन्म के समय सलमान का वजन 4 किलो के आसपास था। वे एकदम गोल मटोल और गोरे चिट्टे थे। उनके जन्म के बाद 12 दिनों तक अमी सलमा और सलमान अस्पताल में ही रहे थे। तब सलमान को नहलाने और मालिश करने का जिम्मा दाई होने के नाते रुक्मणि का था। वे बताती हैं कि सलमान की मालिश के लिए उनके ताऊ बटवा मियां खास तौर पर सियागनज से तिली का तेल लाए थे। उनकी हिदायत पर मैं रोज कम से कम 1 घंटे तक सलमान की मालिश करती थी। रुक्मणि बताती हैं कि घर के लोग उनकी अम्मा को 26 तारीख को अस्पताल लेकर आए थे और 27 की सुबह 10 से 11 बजे के आसपास सलमान का जन्म हुआ था। जब मैंने सलीम साहब को सलमान के जन्म की खबर दी तो उन्होंने खुश होकर 100 रुपए का नोट दिया था। उस जमाने में ये बहुत बड़ी रकम थी। दाई के बेटे राजेश भाटी ने बताया कि अपनी एक फिल्म के प्रमोशन के लिए सलमान करीब 4 साल पहले इंदौर आए थे। तब उन्होंने मेरी माँ को मिलने के लिए खास तौर पर होटल बुलाया था। तब मेरी बेटी दादी को लेकर सलमान से मिलने गई थी। यहाँ मंच पर जैसे ही माँ सलमान के पैर छूने झुकी तो वे चौंक गए थे। उन्होंने तत्काल माँ को उठाकर अपने गले लगा लिया था। इसके बाद होटल के कमरे में सलमान ने काफी देर तक दाई और मेरी बेटी से बात की थी। उन्होंने मेरी बेटी के बारे में माँ से जानकारी ली थी और कहा था कि दाई माँ, अब आपकी पोती मेरी जिम्मेदारी है। मैं इसकी पढ़ाई से लेकर शादी तक का इंतजाम करूँगा। काफी देर बात के बाद माँ जब वापस आने लगी तो उन्होंने कुछ रुपए भी माँ मेरी बेटी को दिए थे। राजेश कहते हैं कि मेरी बेटी और माँ को आज भी उनके संदेश का इंतजार है। दुख इस बात का है कि वे वादा कर हमें भूल गए।